बाल तुहार करे करा कि मुखरम उजाब है कमरिया करे लगी बिना पानी वाला मटन कभी खाया है आपने? भुना हुआ मटन सिलबट्टे के मसाले पर, और ऐसा जायका, मतलब मजा आ जाएगा, मतलब क्या बोले, मतलब इंडिया के हर कॉर्नर से लोग यहाँ पर आते हैं, और बिना पानी वाला मटन जो होता है वो तैयार होता है यहाँ, जबरदस्त लहरिया लूट के लोग खाते हैं। और उतना ही नहीं, ये ऐसा जगह है ना जहाँ 2 घंटा में 10 किलो मटन हो जाता है साफ। नहीं समझ में आया? तो देखिए, फिर से स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल चैनल बिहारी गाइड्स पर। आज हम जिस जगह पर आए हैं ना, मतलब समझिए तो ये पटना का सबसे पुराना जगह है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम पटना सिटी में हैं, थोड़ा सा आप सही हैं, हम हैं दीदारगंज में। और आज हम जहाँ पर आए हैं ना, ये अभी तक हमने कवर नहीं किया है, और आई थिंक YouTube पर ये जो वीडियो है ना यहाँ का, ऑलमोस्ट हर जगह हर चैनल पर आपको मिलेगा, बट हमारे व्यूवर्स जो हैं हमारे चैनल पर अभी तक नहीं आया है। तो हमने आज अपने व्यूवर्स के लिए यहाँ का जायका सोचा है लाने का। तो भाई साहब, आज हम हैं 25 साल पुराने दिलीप होटल। आपको पता है दीदारगंज में बहुत, मतलब बहुत पॉपुलर है। अगर आप पटना में हैं और अगर आप मटन के लवर हैं, तो आई थिंक दीदारगंज को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो कि मटन का एक सेंटर पॉइंट है। सकते हैं कोयले के आँच पर, देहाती कोयले का जो आँच होता है उस पर भुना हुआ मटन तैयार होता है, और बिना पानी का मटन तैयार होता है। 2 घंटे में 10 किलो इन्होंने मटन मतलब बेच दिया। भाई साहब, क्या सच है, क्या चीज है? खैर, उसके लिए हम लोग पूरा वीडियो देखेंगे और जानेंगे अंदर चल के। दिलीप जी, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ टेस्ट का लहरिया लूटिए। चलिए चलते। दिलीप जी, आज कितना प्याज कटिंग हो रहा है? लगभग फिलहाल अभी 8 केजी प्याज कट रहा है। 8 किलो प्याज। और मटन कितना तैयार होगा? मटन भी 8 केजी बनेगा। 8 किलो बनेगा। और क्या यहाँ क्या बनता है? मटन स्टू बनता है, और क्या बनता है? मटन स्टू बनता है, मटन ग्रेवी बनाता है, पानी नहीं आता, सूखा बनता है। और लगभग अगर बोला जाए दिलीप जी, तो ये कितना पुराना है? लगभग पुराना तो फिलहाल अभी 10 साल से होटल है। अच्छा, 10 साल से। खुशी बार में था पहले, मैं सामने बेनकुट हॉल है। अच्छा, खुशी में रेस्टोरेंट चलता था। अच्छा, फिलहाल शराब बंद हुआ था। फिलहाल क्या बात है, तो मतलब लगभग अगर बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि 25-30 साल पुराना तो होगा। 25 साल से दुकान में आई सब है, मटन का हुआ है मेरी, यही है ना। क्या बात है भाई साहब। और ये देखिए भाई साहब, प्याज कटिंग। अच्छा, 1 लीटर फिलहाल जाएगा। ये देखिए गाइस, ये क्या क्या है? पहले तो जाएगा इलायची। अच्छा, ये सबसे पहले है, ये इलायची जाएगा। अच्छा, उसके बाद तेज पत्ता जाएगा। तेज पत्ता, उसके बाद मिर्चा जाएगा। और ये देखिए भाई साहब, ये फ़ौरन पड़ने के बाद देखिए क्या टेक्सचर है भाई साहब, क्या ज़बरदस्त टेक्सचर है। इसे एकदम अच्छे तरीके से मिलाया जा रहा है, और मतलब तड़का एकदम, मतलब बोलते हैं ना, एकदम छौंका जो तड़का है वो गया। और ये गया हरी मिर्च है, हरी मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट है ना, अदरक, अदरक है, माफ करिएगा, अदरक। ये देखिए भाई साहब, ये देखिए काफ़ी मतलब यूनिक तरीके से यहाँ पर मतलब मटन जो है वो तैयार किया जाता है। और ये जा रहा है भाई साहब प्याज, प्याज। तो ये प्याज भी लगभग 8 किलो ही है। 8 किलो है। क्या बात, तरीके से एकदम प्याज को इस पे डाल दिया गया है। ये देखिए बहुत ही शानदार। अब ये हर दिन, मतलब ये क्या, मतलब ये 2 लॉट में बनता है या 1 लॉट में बनता है? 2 लॉट में बनता है। 2 लॉट में बनता है। तो अभी 8 किलो तैयार हो रहा है, तो फिर मतलब ये दूसरा लॉट कब तैयार होता है? वही करीब 1 बजे करीब। और वो भी मतलब क्या, उसका क्वांटिटी भी लगभग यही रहता है, 8 से 10 किलो? अच्छा, सूखा मटन बनता है, पानी नहीं रहता। अच्छा, बिना पानी वाला मटन? पानी का रहता है, भूजा हुआ मटन, बिना भूजा वाला। सबका एक्सपीरियंस होता है, सबका एक्सपीरियंस होता है। ये ढक दिया गया भाई साहब। अच्छा, प्याज गलने के लिए नमक डाला जा रहा है, ये देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, नमक से थोड़ा सा गल जाता है क्या? ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया गया गाइस। और इसे अभी लगभग कितना देर के लिए इसे ढका जाएगा दिलीप जी? कम से कम 30 मिनट। 30 मिनट, क्या बात है भाई साहब। का टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया।
थोड़ा सा नमक इसके ऊपर डाला गया था, और टेक्सचर मतलब बोलते हैं ना कि मतलब मटन का जो टेस्ट होता है ना वो उसके रंगत में छुपा होता है। और यहाँ पे दिलीप जी खुद एकदम तैयार कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। और बिना पानी वाला मटन सिलबट्टे के मसाले का जो अंदाज होता है ना भाई साहब, वो कुछ अलग ही होता है। दिलीप जी, अच्छा गुलकी है, अच्छा गुलकी जीरा मिला हुआ है, क्या बात है। तो आपकी नज़र के सामने जो भी मसाला पड़ रहा है मतलब एकदम सब कुछ ओपन ओपन, वाह। तो शुरुआत कैसे किए दिलीप जी, मतलब ये मटन बनाना, इतना आप चर्चित मटन जो बना रहे हैं पूरे इंडिया में आप फेमस हो गए हैं, तो कैसे मतलब हो गया है? मतलब शुरुआत मेरा चाय ग्रिल में, जैसे 10 किलो मीट का चाप भूज गए, अच्छा जो मटन चाप बनता है ना, अच्छा तो मटन चाप बिकता था, अच्छा उस समय से उसके बाद होटल खोल दिया। अच्छा मटन चाप से मतलब शुरुआत कर दिए थे। 2 घंटा में 10 किलो बिका। 2 घंटा में 10 किलो शाम के शाम 2 घंटा में 10 किलो। अरे भाई, और एकदम कोई पानी नहीं, सूखा एकदम तावा और भूज कर बिकता था। वाह, मतलब बिना पानी का ये इस्तेमाल किए हुए? सूखा बनता ही था, उसमें कोई पानी नहीं, सिर्फ प्याज पर ड्राई करके तावा पर उलट पुलट करके, क्या बात बनता था है कि नहीं मटन ताश की तरह, क्या बात है। तो अभी मतलब उस चीज़ को अभी कंटिन्यू किए हैं कि नहीं किए हैं? अब फिलहाल अब उसमें ज़्यादा शराब जो चल रहा था ना, अच्छा शराब जब उस समय चलता था, तब तो शराब बंद ही हो गया है, उसमें शाम के शाम अच्छा बिक्री रहता था उस समय रहता था, अब तो शराब बंद हो गया तो सब चखना अब खत्म हो गया है, खत्म हो गया चखना, खत्म हो गया शराब के साथ। लेकिन फिर भी ये बिना पानी वाला मटन भैया ये सबसे नहीं बनने वाला है बिना पानी, काहे कि गलबे नहीं करेगा, गलेगा ही नहीं है कि नहीं, इसको कम से कम 30-35 मिनट 30 मिनट अभी फिर से चलेगा, मतलब पूरा पानी बना देना, इसी को पानी बना देना, इसी को पानी बना देना। ये देखिए गाइस क्या रंगत है भाई साहब, क्या रंगत है, एक बार चेक करिए। और एकदम दिलीप जी जो है एकदम लगातार भुने जा रहे हैं, बहुत लोग जो है ना मतलब उनको आज भी ये डर लगता है कि बाहर में हम मटन खाएंगे हमको मटन अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या कहना, बकरी का मिलेगा कि खसी का मिलेगा? हम लोग सामने में कटवा के लाते हैं। अच्छा सामने में कटवा के लाते हैं, प्योर खसी का मीट रहेगा, अच्छा खसी का मीट, भूजते भूनते मटन हो जाएगा, इन्हें कुकर में डालना है क्या डालना है कुछ नहीं, देखते सामने में सब कुछ आपका है, इतना भूनते रहिएगा। और एक चीज़ और कि मतलब आप तो इतने एक्सपीरियंस हैं मटन, आप चूंकि इतने सालों से बना रहे हैं, तो मटन लोग जब खाने जाते हैं तो क्या पहचान करना चाहिए, क्या देखना चाहिए तब पता चलेगा कि भाई ये असली मटन है, कैसे पहचानेंगे? मटन का रंग से पता लगेगा, देखिए रंगत से ही आपको उझल के दिखाते हैं मटन कैसा। बिल्कुल, तो ये देखिए गाइस थोड़ा थोड़ा निकाल लिया गया है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया है क्वांटिटी को, ताकि गलने में आसानी हो प्याज को। ये देखिए भाई साहब ये थोड़ा सा जा रहा है लहसुन का पोट, और अभी के समय में लहसुन देखना दिलीप जी भी बहुत बड़ा बात है, हैं हमको लग रहा है मटन से ज़्यादा दिक्कत हो रहा है लोग को देख के कि भाई लहसुन जा रहा है। 400 रुपये के जी तक बिका, सही बात है, ये मटरों से महंगा चला गया जा रहा है, बताइए ये स्थिति हो गया है। 2 पीस मटन लेने के बाद लहसुन को दीजिए, क्या बात है, महंगा हो देना पड़ता है। और भुना हुआ मटन जो है ये एकदम दोनों आँच पे एकदम तैयारी जोरों शोरों से एकदम चल रही है भाई साहब, क्या रहा है? चर्बी है। अच्छा चर्बी है, चर्बी भोड़ी यही सब है। अच्छा ये पहले ही डाल देते हैं भुना हुआ में, तो निकाल लेंगे मीट के साथ डालेंगे, अच्छा तो सब गल के पानी हो जाएगा, अच्छा इसलिए प्याज के साथ थोड़ा भुना हुआ वाला फील आ जाए। देखते हैं पूरा प्याज उगलाना पड़ता है एकदम, आप तब से लगे हुए हैं एकदम, है फिर मटन को मसाला में फ्राई करके तब डालेंगे। अच्छा मटन को भी मसाला में फ्राई करके तब उसको डालिएगा, वाह भाई साहब। ऐसे भी नहीं कि बहुत लोग भुना हुआ ऐसा ही भून दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर तरीका से उसका एक प्रोसेस है, क्या सब प्रोसेस के अनुसार बनता है। ठीक है भाई साहब, ये है चुस्ता, वाह चुस्ता को भी अभी डाल दिया गया है, चुस्ता है। और दिलीप जी चुस्ता का कैसा डिमांड है, लोग चुस्ता को पसंद करते हैं? जो खाने वाले लोग हैं वो चुस्ता पसंद करते हैं, चुस्ता है, क्या बात है भाई साहब। इसमें आप मतलब तेल क्यों डाले हैं, इसमें क्या होगा? इसे मसाला फ्राई करके मटन जलाएगा। अच्छा ये भी मतलब फ्राई करके तब प्याज में जाएगा। ओ मटन फ्राई पहले जैसे आप बोले तो इसके लिए अलग से तैयारी होगा। अच्छा ये मसाला है, मसाला, वाह भाई साहब, तो सिलबट्टे का मसाला है, अच्छा, सारा सिलबट्टे का मसाला, कोई पाउडर नहीं है उसमें, अच्छा कोई पाउडर नहीं, सब मतलब खुद से कूट कूट के एकदम तैयार किए हैं, वाह भाई देखिए, ये देखिए, वाह भाई साहब वाह, क्या बात है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से,
ये देखिए भाई साहब, एक बात तो है दिलीप जी की, जो सिलबट्टे का मसाले पे जो खुद से पिसा हुआ रहता है ना, उसका जो दमक होता है बड़ा झांस, उसका दमक तेज होता है ना, लगा रहता है। ये हो रहा है, ये गुलकी है, जीरा है। जब गुलकी और जीरा, ये देखिए भाई, मटन, मटन जिसका इंतजार आपको था बहुत देर से, और मटन काफी मतलब शाइनिंग हो रहा है, काफी शाइन कर रहा है मटन। मम्मी मटन का शाइनिंग देखिए, बकरी का मीट रहेगा तो लाल एकदम रहेगा। अच्छा, जो बकरी का मीट रहेगा वो लाल रहेगा। बस तुरंत गल जाएगा मटन, बढ़िया और भाई बकरी का मटन रहेगा तो गलेगा ही। कुकर लाइए, कुकर में बनाइए, फ्राई मटन बिकेगा ये। अच्छा अच्छा, तो कुकर में जो मटन बनता है, मतलब मान के चलिए कि मटन सब बकरी का रहता है। अच्छा टेस्ट हम लोग करेंगे और आप लोगों से शेयर करेंगे रिव्यू इसका। और भाई साहब मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो मसाला है ना, मतलब क्या बताऊँ भाई साहब, इतना स्ट्रांग फ्लेवर मुझे लग रहा है ना कि भी रोड पे चलते हुए जो आदमी है ना वो यहाँ पर देख रहे हैं, चलते चलते आते चलते आदमी जो है भाई साहब। ये देखिए भाई साहब, थोड़ा सा स्वाद अनुसार जा रहा है नमक भाई साहब। ये हमारे साथ एक बच्चा है, ये देखिए, ये पता है थोड़ा देर पहले हम लोग जब आए थे, ये पहले देखिए चलाने का इसका स्टाइल देखिए, ये देखिए एकदम, खैर बड़ा मेहनत कर रहा है। अब कौन गाना गा रहा था जी, तुम बता गार, कौन गाना गा रहा था? देखिए शर्मा के भाग गया है कैमरा पे, तब से देखिए हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, लप 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 करके गाना गा रहा था, तो हम सोचे कि कैमरा में कैद कर लेंगे, शर्मा गया है। तो भाई इधर जो है ना, ये है लाल मिर्च, ये लाल मिर्च है ना, ये देखिए लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, माफ करिएगा, कश्मीरी मिर्च जो है इसमें डाल दिया गया है। ये देखिए भाई साहब रंगत, देखिए तो इसमें कश्मीरी मिर्च डाले हैं। और भाई साहब ये देखिए बच्चा जो है एकदम यहाँ, इसको पकड़ लिए हम लोग। कौन गाना गा रहा था जी तुम उस समय से? लपा लपा वाला। कौन था, कैसे कैसे गाता है बताओ तो जरा सा। बाल तुहार करे लपा लपा, अरे तेरा के गजब भैया गजब, बाल तुहार करे लपा 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 लपा, बाकी तुहारा करारा करारा, लपा 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 बाल तुहार करे लपा 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 लपा, कि कोहरा करारा बा कि लेमु खराब उजा भइल, हाय हाय को लेमु खराब उजा भइल, गावे लूली पिस्टिक लेला आरा तुल पिस्टिक, जिला टॉप लागेलू हो जिला टॉप लागेलू, कमरिया करे लागी लला लला लप लागेलू। जियो भैया जियो, का बात है। मटन को, फ्राई मटन को डाल दिया गया है प्याज में, और रंगत चेक करिए भाई साहब, मटन तो आधा फ्राई इसी में हो गया है, बाकी का जो 40-50% बाकी होगा वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये देखिए ऊपर से ये मसाले, इसमें प्याज जो भुने थे वो ये ऊपर से डाल दिए गए हैं, चुस्त आपको अभी ऊपर दिख रहा होगा। ये देखिए भाई साहब, वाह 25 मिनट में अब तैयार, मतलब दिलीप जी हमको लगता है 90% टाइम मसाला के लिए। और गाइस ये देखिए, ये तकरीबन 15 मिनट इसे भुना गया है, और मटन का रंगत चेक करिए भाई साहब, थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला गया है, ये आप देख के ही अनुमान आप लगा सकते हैं। हाँ देहाती स्टाइल है, देहाती स्टाइल है ना, घरेलू मसाला, कोई बाहर का मसाला नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई पाउडर नहीं। और ये है मतलब आप बोल सकते हैं भुना हुआ मटन है कि नहीं, सिलबट्टे के मसाला वाला भाई साहब। ये देखिए ये देखिए, ये बिहारी चोखा, ये है बिहारी चोखा, चोखा चावल दाल चोखा का भी अलग मजा है। क्या क्या बात, सारा खाना का भी मजा अलग है, अलग मजा है ना। और यहाँ देखिए भैया, और दो पीस लिए, थोड़ा चर्बी दीजिए, और कोई आदमी के पास जिसके पास दांत वगैरह नहीं है तो चर्बी खा लिया, देखिए दांत वाला भी आदमी मटन खा रहा है। या भाई
और बवासीर कैसे होता है, जो कि फालतू मसाला पड़ रहा है, ऑर्डर पाउडर बाजार का मार्केट का मसाला है, अन्य तरह का मसाला दे देता है। इसमें कोई मसाला दिया आपके सामने? जो है नॉर्मल मसाला है, नॉर्मल मसाला है ना, मतलब हैवी मसाला भी नहीं, लाइट मसाला, लाइट मसाला हैवी नहीं, कि बाजार के बहुत से फालतू मसाला पड़ता है, वो सब कुछ नहीं, कुछ नहीं। वाह भाई साहब, तो चलिए इंतजार का घड़ी एकदम मटन हुआ है हमारा बिना पानी वाला, और रेसिपी का तो भैया क्या बताएं, बहुत बढ़िया। और अकेले यहाँ दिलीप जी मंच संभाले हुए हैं, भेज से लेके नॉन वेज हर लरान का। सो गाइस ये देखिए गरम मसाला गर्दन का सामने खड़ा होके लो। तो दिलीप जी मतलब मटन हमारा एकदम ऑलरेडी पूरा तैयार हो चुका है, है कि नहीं? देखिए देख लीजिए है कि नहीं, ये देखिए गाइस। और एंटरटेनमेंट के साथ आज यहाँ का जायका मिला है, भुना हुआ मटन और बिना पानी वाला मटन। और बिहार के आप इंडिया के किसी भी कोने से अगर देख रहे हैं दोस्त हमारे हमारे व्यूअर्स, और अगर कभी पटना आना हुआ तो एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा, दीदारगंज चेक पोस्ट के पास। और ये देखिए भाई साहब मटन तो तैयार हो गया है, बिना पानी वाला मटन, भुना हुआ मटन, और कस्टमर सब यहाँ पर एकदम खा रहे हैं, आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पर। हालांकि कुछ इधर वेज वाले पार्टी हैं, यहाँ पे नॉन वेज देखिए ये खा रहे हैं भाई साहब। कैसा लग रहा है स्वाद आपको? ठीक है, ठीक है कि एकदम मतलब जबरदस्त लहरिया लुटने वाला है, लहरिया लुटने वाला है। या भाई साहब ये देख सकते हैं गाइस, आप मीट खा रहे हैं? कौन सा मीट पीस खा रहे हैं? चर्बी वाला। चर्बी तो चर्बी का लिए है खाली आप? दांत कमजोर है इसीलिए। अच्छा दांत कमजोर है, अच्छा तो इसीलिए चर्बी खा रहे हैं, लेकिन खाना है तो मटन खाइएगा। क्या बात है, कहाँ से आए हैं? सिटी का घर है, यहीं पे है। कितना दिन से यहाँ खा रहे हैं मटन? खा रहे हैं एक महीना से। लगभग कितना साल से खा रहे हैं? एक साल भर हो गया। ये देखिए भाई साहब, या भैया कैसा लग रहा है टेस्ट? अच्छा ठीक है, एकदम तगड़ा तगड़ा, बिना पानी डाला हुआ है भाई, पानी भी नहीं डाले हैं। हाँ हाँ एकदम तगड़ा। यहाँ पर मटन सफा चट कर चुके हैं, इनसे जानते हैं कि टेस्ट पहले कैसा है। तो सबसे पहले नाम अपना बता दें। सुमित कुमार यादव। सुमित जी क्या मतलब कैसा टेस्ट लग रहा है? बहुत मस्त क्वालिटी है, मस्त क्वालिटी है। मतलब कितने दिनों से खा रहे हैं यहाँ पे? 5-6 साल हो गया। 5-6 साल से? जी जी जी। और मटन में मतलब कहीं कुछ नहीं है? कहीं एकदम मैंने फर्स्ट क्लास 100 में 100%। बिल्कुल, हम लोग भी आए हैं, मतलब पता चला कि बिना पानी के मटन तैयार होता है और बहुत यूनिक मटन है। अभी पूरे सिटी में नंबर 1 पे ही जा रहा है। अच्छा नंबर 1 पे? जी जी, सुबह में आइएगा, दुनिया भर का भीड़ रहता है, जो लाइन लगना पड़ेगा यहाँ पर। बिल्कुल आप हम देखे कि आप भी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। हाँ चलिए चलिए, आप अपना प्लेट जो है एंजॉय करिए। थैंक यू। प्रिपरेशन है भुना हुआ मटन का, वो फाइनली पूरा तैयार हो गया। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और काफ़ी इंटरटेनिंग आज ये जगह है, मतलब देखिए आज हम इस जगह पे जब आए थे ना तो हमको ये लगा था कि ये एक बहुत मतलब फेमस जगह है, पुराना जगह है, भुना मटन मिलता है, बिना पानी वाला मटन मिलता है, टेस्ट अच्छा है, इसके लिए आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो इंटरटेनमेंट बच्चे का डांस वगैरह जो देखने को मिला, आप भी इंटरटेन कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। खैर समय ज़ाया नहीं करेंगे, आते हैं मुद्दे पे। हमने एक पीस लिया और 2 रोटी लिया है, और भुना मटन जो है ये हमारे सामने में है। सबसे पहले हम रोटी जो है, इस रोटी को हम तोड़ रहे हैं। ग्रेवी एकदम लटपट सा ग्रेवी है, थोड़ा सा अभी पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और बहुत ही शानदार तरीके से चावल के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। देखिए एकदम अच्छे तरीके से पहले ग्रेवी के साथ हमने इसे लिया है, थोड़ा सा इसे हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं। एक बाइट हमने लिया और इसे हम ट्राई करते हैं। बहुत ही बेहतरीन भैया, पहला बाइट जब जाता है ना, तो मटन लवर अगर आप हैं ना तो आपको पहला बाइट जाने के साथ पता चल जाएगा कि मतलब मटन क्या धमाल मचाने वाला है। फिर से हमने थोड़ा सा लिया, इस पे प्याज डाला भैया, टोपा पहनाया हमने इसे, इसे अब थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसके साथ। बहुत ही ज़बरदस्त भैया, बहुत ज़बरदस्त। जो मसाला है ना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट मसाला का यूज़ किया गया है। और पीसेस जो है ना भाई साहब, ये देखिए पीसेस को मैंने थोड़ा सा निकाला, लेकिन अभी मैं पीसेस नहीं तोड़ूंगा। इसका ग्रेवी, इसका देखिए रोगन, देखिए भाई साहब। और आपको मैं बता दूं ना, तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला गया, 1 लीटर का जो तेल था ना उस तेल से ही मतलब पूरा तैयार किया गया। चर्बी जो है, चर्बी कन्वर्ट हो गया है तेल में। ये जो हल्का हल्का जो लटपट ग्रेवी है, ये प्याज है, और ओवरऑल जो टेक्सचर है ना भाई साहब, अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त। तो इसके साथ थोड़ा सा हम इसे डीप करते हैं भाई साहब, और इस पर थोड़ा सा हमने इस पर खीरा लगाया, और अब इसे ट्राई करते हैं भाई साहब। भैया गजब,
बहुत ही ज़बरदस्त भाई साहब। मटन का पीस यहाँ पे है, देखिए मटन जो है ना बहुत ही मतलब सॉफ्ट मटन है और बहुत ही ईजली तरीके से ये मटन आपको हल्का सा हल्का खींचने पे आपको मिल जाएगा, पूरा गल गया है मटन। अच्छे मटन का क्वालिटी यही होता है कि वो प्रॉपर तरीके से क्या हो जाए, तुरंत गल जाए। इसके साथ हमने इसमें थोड़ा सा प्याज वगैरह फिर से उसके ऊपर डाला और अब हम इसे ट्राई कर रहे हैं फिर से एक बार इसके पीस के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त। हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी यहाँ पे देखिए, आप दिखा सकते हैं ये लोग खा रहे हैं, कैसा लग रहा है स्वाद आप लोगों को? बहुत बढ़िया, क्या बात है। कहाँ से आए हैं? पास में ही घर है। पास में ही घर है। तो क्या खास लगता है यहाँ के मटन में? यहाँ का मटन बहुत खासियत है, मतलब दूर दूर तक फेमस है। अच्छा पुराना दुकान भी है, छोटा छोटा बड़े तब नाम मात्र के एकदम चीज में एकदम हाई क्वालिटी में बेस्ट मिलेगा। अच्छा बेस्ट मिलेगा, औरों के मुकाबले तो बेस्ट मिलेगा जी। तो दिलीप जी का जो मटन है मतलब ऐसा मटन कहीं और खाए कि नहीं खाए? खाए तो बहुत जगह, लेकिन इनके जैसा मतलब कम मसाला में कम भुंजा हुआ और इतना टेस्टी एकदम फ्राई किया हुआ एकदम नॉर्मल की तरह घर पर एकदम सिंपल की तरह एकदम हाई क्वालिटी में आपको बे जगह मिल जाएगा, इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। एकदम तगड़ा मतलब लहरिया लूट रहे, लहरिया लूटे एकदम धीरे धीरे भैया भाई हमारा पास भैया। तो भैया देखिए ये लोग लहरिया लूट रहे हैं, इन्हीं के साथ बैठ के हम भी लहरिया लूट रहे हैं। अब बहुत ज़बरदस्त दिलीप जी का मटन है भाई, मतलब इंडिया से लोग आते हैं ऐसा सुना था हमने, और गलत नहीं है, टेस्ट करने के बाद पता चलता है, कोई झूठा मतलब मैंने रिव्यू नहीं दिया है, ऐसा कोई नहीं कि भैया पीछे में ख़राब टेस्ट है और हम आपको कैमरा पे बोल रहे हैं भैया बहुत लाजवाब, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम ट्रू टेस्ट विथ ट्रू रेसिपी। एक बार फिर से इसी के नाम पर। वाह भैया वाह, मज़ा आ गया। तो करते हैं हम अपने मटन के पीसेस को पूरे तरीके से ओवर, लूटते हैं लहरिया अपने जायके का और मिलते हैं किसी नए से वीडियो में एक नए जगह पे एक नए कंटेंट के साथ। गजब। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, बोल ही नहीं निकल रहा है, एकदम लंबा ले लिया, मुंह एकदम फूल गया गुब्बारा की तरह। खाएंगे दबाएंगे, आप लाइक दबाइए। ओह हाँ।